सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं रोजगार से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसी क्रम में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा दरभंगा सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के रानीपुर गांव में पंचायत कार्यालय में 60 दिवसीय मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसका विधिवत शुरुआत किया गया। इस अवसर पर नाबार्ड की पदाधिकारी वहीं रानीपुर पंचायत के मुखिया राजकुमार दास सहित पंचायत स्तर के अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। 60 दिनों तक मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण यहां दिया जाएगा। पूरा क्या कार्यक्रम है, पदाधिकारी ने क्या कहा, वहीं जो प्रतिभागी हैं उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। दरभंगा सदर प्रखंड का रानीपुर पंचायत है, यहाँ पूरा क्या कार्यक्रम है, जैसा देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा, क्या है पूरा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा हम लोगों ने एक मिथिला पेंटिंग पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके माध्यम से 30 महिलाओं को लगभग ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग उनको 60 दिन के लिए दी जाएगी, जिसमें वो लोग मिथिला पेंटिंग सीखेंगे और उसमें किस तरीके से रंगों का चयन करना है और बाकी सारी चीज़ें उसमें उनको सिखाया जाएगा। और इस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आशा झा हैं, जो कि एक नेशनल अवार्डी हैं, राष्ट्रपति से उनको पुरस्कार भी दिया गया है, तो वो यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देंगी। और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का और इनको बैंक क्रेडिट के माध्यम से भी जोड़ने का। हमारे द्वारा हर जगह पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम समय समय पर चलाया जाता है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हमने जूट पे भी प्रशिक्षण दिया, जिसमें हमने जूट से रिलेटेड सामग्री बनाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया। ये हमारा छपकी जो गांव है वहाँ पे चलाया गया था। इसके अलावा केवटी ब्लॉक में भी हमारे द्वारा ये जो सुजनी हैंडीक्राफ्ट है उस पर भी एक 60 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया गया था। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो आपने कहा, जो लक्ष्य है, वो बेसिकली जो महिलाएँ हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का है। तो जितनी भी महिलाएँ, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। और इनको अगर जब तक हम इनको कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे, कुछ सिखाएंगे नहीं, उनका आत्मनिर्भरता हम लोग इंश्योर नहीं कर सकेंगे। तो ट्रेनिंग का हमारा जो मुख्य उद्देश्य, इनको सिखा के फिर हम लोग इनको मेन धारा से जोड़ेंगे, जहाँ इनको हम लोग अगर बैंक क्रेडिट की आवश्यकता हो तो वो भी उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ इनको हम लोग एंटरप्रेन्योर बनाने के जो आगे लक्ष्य है उसके प्रति अग्रसर करेंगे। गाँव में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे इस संबंध में आप? आज के डेट में हमें सबको पता है कि मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस हो गया है देश विदेश के लिए, और हमें सबसे बड़ी बात है कि आज मौका मिला है ये चीज़ करने का, अपने आप को अपना हुनर दिखाने के लिए। और हमें सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में फ्री में कुछ भी नहीं सिखा जाता, ऐसा भी मौका मिला हमारे पंचायत भवन पर कि हम खुद से सीखिए। और हमारे पास ऐसा पावर है कि हम अगर अच्छा बनाएंगे तो क्यों नहीं हम देश विदेश में आज आशा मैम के जैसे हम अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मिल रहा है हमें तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपका जो आपके जो इस गांव के जो मुखिया हैं उनसे कैसा आपको सहयोग मिला कि ऐसा कार्यक्रम आपके गांव में हुआ, इससे आप लाभ ले रही हैं? हाँ, हमें सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लाभ मिला है। मुखिया जी हम पे दया किए कि हम कहीं और बाहर नहीं जा करके सीखे, यहाँ पे सीखे। सबसे बड़ी बात है कि एक निःशुल्क सेवा आज के डेट में कोई नहीं देता है, जो कि हमें मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपना बेनिफिट दिखाएं। प्लस उन्होंने हल्का सा हमारे तरफ माइंड गाइडेंस किया है, अब हमें गाइडेंस दिखाना है, अपने तरफ से खुद बेनिफिट दिखाना है। अगर उन्होंने 100% दिया तो हमें 200% उनको दिखाना है कि हम सक्सेस कर सके। अब प्लस उन्हें विश्वास हुआ है हम 30 लड़कियां पर, तो हम क्यों ना अपना मुखिया जी का नाम, अपने गाँव का नाम, अपने माता पिता सबका नाम रोशन करें इस चीज़ का। अपना नाम बताइए। गायत्री जी। महिलाओं की अगर बात करें तो बहुत फायदा होगा ये यहाँ पर निःशुल्क। सबसे तो बड़ी बात है जो मैडम के नाबार्ड के तरफ से निःशुल्क मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये लोग सीख करके इन लोग को कहीं रोज़गार के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर ये लोग इच्छा रखेगी जो काम है तो यहाँ काम भी मिलेगा, ये लोग अपना बिजनेस भी कर सकती है, अपना रोज़गार यहाँ से बहुत इसका आगे मांग रहे हैं।
और ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं। अपना परिचय दे दिया। मेरा नाम आशा झा हुआ और मिथिला पेंटिंग के हमने इसमें लेवाड़ी कार्यक्रम जो नाबार्ड के द्वारा ये आयोजन है, क्या कहेंगे इस मौके पर? इसमें जो नाबार्ड की तरफ से जो एक कला मिथिला पेंटिंग जो सिखाया जाता है बच्चों को, जो 18 साल से लेके 45 साल के उम्र तक का ही लिया जाता है जो नियम है, और इसे मैन है कि अपना बल पर, जैसे अपना बल पर उसे खड़ा होना है। औरत को, महिला को चाहते हैं कि वो काम नहीं करती है, लेकिन नहीं, सरकार का ऐसा निर्देश नहीं है। सरकार का निर्देश है कि जैसे महिला या पुरुष, कोई अंतर भेदभाव नहीं है, इसलिए उन्हें एक ट्रेनिंग दिया जाता है। और इसमें मिथिला पेंटिंग के माध्यम से यहाँ हमारे ग्राम पंचायत रानीपुर में जो अपने बल पर, अपने मेहनत से अपने कमा के खा सकती है, कहीं किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अपना मेहनत करके कमा सकती है और अपने परिवार को भी चला सकती है जैसे मर्द चलाते हैं। इसलिए हम सरकार से और यहाँ का जो इस नवाड का जो मैम है, दीदी मैम, उसको हम अपने पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे